हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैमर वॉच को, हैमर एक्टिव 2.0 को मासवेयर ऐप से कनेक्ट करें। मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो में लोग बोल रहे कि उनका मासवेयर ऐप से कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो कभी कभी मेंटेनेंस एरर होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है अपने वॉच को। सबसे पहले आपको अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, और ये है हमारी हैमर वॉच, इसका भी ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। इसको पेयर कर देना है पहले ब्लूटूथ से। देखो ये पेयर हो चुका है, एक्टिव 2.0 ऑडियो मैंने अपने में सेव कर रखा है इसको। अभी मासवेयर ऐप को ओपन कर लेना है सिंपली। यहाँ पे कुछ साइन मांगता है स्टार्टिंग में, तो साइन कर लेना है आपको। और अभी कभी कभी वो कभी कभी क्या होता है कि ये मेंटेनेंस वगैरह चलता रहता है ये ऐपों का, तो कभी कभी HTTP एरर बताता है। आपको डायरेक्टली ईमेल में मेरा कुछ का साइन इन नहीं करना है। ऐसे स्टार्टिंग जब करोगे आप इसको, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे बाजू में डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन दिखाता है। राइट साइड में जब लॉगिन करते समय डायरेक्टली आपको उसको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है, और आपको कुछ वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड बताएगा, उसको सेव कर लेना है सिंपल सा। और कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा बाद में, ऐसी आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा यहाँ पे सिंपल सा। और फिर आपको यहाँ पे इक्विपमेंट में जाने का है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना एक्टिव 2.0 ऑन कनेक्ट है मेरा। इसको पहले मैं अनबाइंड कर लेता हूँ, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे कैसे करने का है। तो अभी कोई सभी डिवाइस कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो मैंने इसको अनबाइंड किया, तो ये फिर से खुल गया। देखो अभी देख सकते हैं आप, तो इसको मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है इसको। इसको नेक्स्ट स्टेप, अभी इसको कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पहले एक ऐड डिवाइस करना है। अभी स्कैन करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे शो कर रहा है एक्टिव 2.0, तो मैं इससे कनेक्ट करता हूँ अपनी वॉच को। देखो सक्सेसफुली कनेक्शन हो चुका है, और ये कुछ बैटरी का बताएगा, बैटरी कितने स्टेटस है बैटरी का मेरा। और फिर यहाँ पे म्यूट करने का, इसको मैं अभी बेल में कर देता हूँ, ये म्यूट था। और आप देख सकते हैं डायल में, अभी ये डायल मॉल है, इधर पे आप कोई सा भी डायल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्लासिक में 3 डायल मिलते हैं, और डायनामिक में आप देखेंगे कुछ लाइव वॉलपेपर्स भी हैं इसमें सेट करने को। आप अपने हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से लगा सकते हैं इसको, और ट्रेंड में कौन से चल रहे हैं ये भी दिखा देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं फ़र्स्ट वाला लगा लेता हूँ, तो मैं फ़र्स्ट वाला सेट कर रहा हूँ। देखिए सेट हो रहा है धीरे धीरे। और टाइम लगेगा और हो जाएगा। ये सकते हैं होने वाला है सेट, और ये हो चुका है। अभी मेरे को टाइम वगैरह सेट करना है तो घड़ी में जाके, तो मैं सिंपली यहाँ पे आप शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा कि आप सेटिंग को सिलेक्ट करें और ब्राइटनेस को सिलेक्ट करें, को ओके कर दें। यहाँ डायरेक्टली इजी पड़ता है जाने को, तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा। उसको ऑन किया मैंने, रेस टू वेक फीचर भी काम का है। अभी आप देखते हो तो ऐसा हाथ ऊपर करेंगे तो वॉच में दिखना चाहिए, तो मैं ब्लूटूथ रेस्ट वेक ऑन कर लेता हूँ। और अब बटन सेटिंग भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सायरन, अभी हमको इस वाले बटन में कौन सा फंक्शन चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड रखता हूँ इस बटन पे। ब्राइटनेस ऐसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, और टाइम एंड सेटिंग को अभी मैं एडजस्ट करता हूँ। ये 24 आवर का फॉर्मेट है, तो मैं इसको 12 आवर फॉर्मेट में कर देता हूँ। ऐसे 9:34 बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम हो रहा है दोनों में। आप चाहे तो इसमें पासवर्ड लॉक भी लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, पासवर्ड भी हम लगा सकते हैं 4 डिजिट का इसमें, ताकि आपकी कोई वॉच डायरेक्टली देख ना सके नोटिफिकेशन वगैरह। यहाँ से शट डाउन, रिस्टार्ट और अबाउट सब दिया गया है। बेड साइड लैम्प भी दिया है इसमें, जैसे कि आप चार्ज करते हो फ़ोन को, मतलब अपने वॉच को, तो इसको ऐसा करके करेंगे तो कुछ एनिमेशन शो होता है
उसको हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कितना अपने को चाहिए, और ऑलवेज़ ऑन मोड भी दिया है इसमें। और अब ये जो क्राउन बटन है, अगर को दो बार टैप करेंगे तो सपोज़ मैं अभी मेन्यू में गया तो मेरे को अभी ये गियर मेन्यू मिल रही है, डबल बार टैप करूँगा तो मैं ऐसा 4x4 का मेन्यू देखूँगा, अभी डबल बार टैप करूँगा तो कुछ ये हनी कॉम टाइप का है जो आपने एप्पल वॉच अल्ट्रा में देखा रहेगा, एकदम काफ़ी स्मूथ है ये। और ये 6x6 का मिलेगा, मैं प्रेफर करूँगा कि आप सिंगल रहोगे तो समझ में आता है कि कौन सा क्या फंक्शन है, ये ज़्यादा ईजी लगता है मेरे को। और आप इस वॉच में कुछ टाइप का गेम दे सकते हैं, इसमें ये पज़ल दे रखा है 2048 करके, और कार रेस गेम है जो आप टाइम पास कर सकते हैं, और गैलेक्सी वाला ये गेम है इसमें टाइम पास कर सकते हैं आप, और एक डाइस का दे रखा है, और वुमेन हेल्थ का भी दे रखा है कुछ इसमें, वो ट्रैक कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वॉच है बोल सकता हूँ, आप इजीली इसमें से कस्टमाइज़ कर सकते हैं बटन को। अभी मैं इसको ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा वॉच है और ये एक पेयर हो चुका है, देख सकते हैं आप एक्टिव 2.0 दिखा रहा है इधर पे। अभी आप इसमें डायरेक्टली म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, मैं आपको एक म्यूज़िक सुना के दिखाता हूँ। ये मैं अपने माइक के पास लेके जी के दिखाता हूँ आपको, इसका ही वॉइस है जैसे कि आपने देखा एकदम इजीली आप, मतलब अच्छा है एक, मतलब कॉलिंग भी आप इसमें लाउड वॉइस है, इतना भी लाउड नहीं कह सकता पर है ही, आप सुन सकते हैं आराम से, और वॉइस भी अच्छी जाती है इसमें से। ये करीब अभी इसका प्राइस चल रहा है अमेज़ॉन में, फ़िलहाल फ्लिपकार्ट में तो अवेलेबल नहीं है, अमेज़ॉन में इसका प्राइस है 2300 के समथिंग कुछ अराउंड है, जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस कुछ 1800 के करीब था, अभी जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ गया है मैं बोल सकता हूँ कि ये ठीक ही है एक किस्म से वॉच। आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ सेंसर देख सकते हैं, ये वॉइस असिस्टेंट है इसका, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, जैसे कि इसमें स्टेप्स काउंटर दिया गया है, कैसे कितने कदम चले, स्लीप मॉनिटरिंग दिया गया, सेडेंटरी दे रखा है, ये हार्ट रेट है बोल सकता हूँ, ये उतना भी एक्यूरेट नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा बहुत 5-10 रीडिंग ऊपर नीचे समझ सकती है, पर इसमें एक ऑक्सीजन मीटर है ये, इसके ऊपर मैं इनके सेंसर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, पर कह सकता हूँ कुछ कुछ रीडिंग ऊपर नीचे हो जाए, डायरेक्टली हमें कभी भी ऐसी वॉचों पर अपना हेल्थ के ऊपर पूरा नहीं देखना चाहिए क्योंकि एक्यूरेट बताती नहीं है वॉचें, तो हमको ज़्यादातर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज़ करें हेल्थ के लिए, जस्ट एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ करें इस वॉच को, बाकी इसके ऊपर डिपेंड ना रहें। बाकी आप कह सकते हैं इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं 600 निट्स का ब्राइटनेस है, धूप में काफ़ी ब्राइट दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ अंधेरा अंधेरा, सब कुछ क्लियर देख सकते हैं आप इससे। फ़िलहाल मैं इसको फर्स्ट पे रखता हूँ क्योंकि फर्स्ट ही बहुत है इसका, और इसमें कुछ 6 टाइप के ये दिए रखे हैं वॉच फेसेस, पर मैंने आपको जैसे बताया कि मासवेयर ऐप से कनेक्ट करने पर आपको यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो वॉच फेसेस हैं, एनिमेशन वॉच फेसेस भी देख सकते हैं आप इसमें, जैसा कि अभी कुछ ये भूत वाला चल रहा है देख सकते हैं, अभी स्कैरी बॉय पैनिक का एनिमेशन जैसा शो करेगा, पर मैं ऐसा प्रिफर करूँगा कि ऐसा ना लगाएं क्योंकि ये हीट भी कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर ऐसा हीट कर सकता है ये। फ़िलहाल आपको कैसा मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू।